हेलो गौरव भाई, हाउ आर यू? नमस्ते नमस्ते, मैं बस सही हूँ, आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ। और इससे पहले कि हम शुरुआत करें, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने द ड्रॉइंग हाउस के लिए समय निकाला है। हमें पता है कि आप बहुत ज्यादा इंटरव्यूज नहीं देते हैं, पॉडकास्ट पे नहीं आते हैं, लेकिन चूंकि आए हैं, इट हैज बिकम वेरी एक्सक्लूसिव। बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से सॉरी कि मैं इतने दिन से मना कर रहा था, लेकिन मैं क्या कहते हैं, थोड़ा मैं शायद रिजर्व नेचर का हूँ इस वजह से। जी, जो आप कर रहे हो, जो आपके वीडियोस में देखता हूँ सारे, मतलब बहुत अच्छा लगता है सुनने में भी, नए लोगों को सुनने में भी, तो करना चाहिए ऐसे काम। बहुत ही कम लोग हैं जो इंडिया में कॉमिक आर्टिस्ट और कॉमिक राइटर्स को कुछ समझते हैं उन्हें, क्योंकि इंडिया तो आप जानते हो कॉमिक्स में बहुत पीछे है। अब थोड़ा बढ़ रहा है जब नई कंपनीज आई हैं, बट अच्छा लगता है। जी डेफिनेटली, जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे बिफोर दिस ऑनलाइन पॉडकास्ट की इस चीज की जरूरत थी और ये चीज आ गई। एंड आई एम प्रीटी श्योर ये कहना मेरी तरफ से सेफ होगा कि अगर मैं ना होता तो कोई और होता, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा आपने स्टार्ट किया है। हाँ, मतलब वही जैसे मैंने कहा, मैं ना होता शायद कोई और होता, लेकिन ये शुरुआत जरूर होती। बिकॉज जैसे जैसे समय बीता है, आपने भी नोट किया होगा, पिछले 10 सालों में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से, और ये जो पहला सवाल है ये मेरी ही तरफ से नहीं बल्कि उन सभी फैंस और दर्शकों की तरफ से है जो कि आपकी कॉमिक बुक्स को पढ़ते हैं, द रीडर्स, द फैंस, द लवर्स। आप रहने वाले कहाँ के हैं ये बताएं सबसे पहले। मैं रहने वाला हूँ मध्य प्रदेश में, एक छोटा सा टाउन है मुरैना, चंबल आपने सुना होगा, मान सिंह तोमर जहाँ के थे। Absolutely. और वो ग्वालियर के पास ही है ये, तो यही शांति से एकदम। मुझे क्या है, ज्यादा सिटी मैं पहला भी यही हुआ, कुछ साल दिल्ली में रहा, नोएडा में रहा, लेकिन मुझे वहाँ उतना अच्छा नहीं लगा जितना यहाँ पे खुली हवा है और सब कुछ है और चैन से काम करने को मिलता है। तो क्या कहते हैं, मुरैना से बचपन से यही पैदा हुआ, यहीं से बिलोंग करता हूँ, यही कॉमिक्स पढ़ी। तब तो कॉमिक्स हर जगह मिलती थी, यहाँ तक पान की दुकानों तक में मिलती थी। तो बस ऐसे ही ड्राइंग का मन हुआ, ड्राइंग करते थे बचपन में, स्कूल में भी करता था, घर पे भी करता था। चंपक नंदन, राज कॉमिक्स बाद में पढ़ना शुरू किया थोड़ा बड़ा हो गया जब, क्योंकि कॉमिक्स बचपन में समझ में नहीं आती थी, कहानियां तो समझ में आ जाती हैं, तो बस उसको ड्राइंग करते रहते थे बचपन में, देख देख के। ध्रुव हो गया, नागराज हो गया, चाचा चौधरी हो गया, चाचा चौधरी मेरा आज भी फेवरेट है। तो बस ऐसे ही, पर लेकिन पता नहीं था फ्यूचर क्या है, बच्चों को क्या पता होता है, बच्चे तो बस ड्राइंग करते हैं। एब्सोल्युटली, हाँ बिल्कुल। मेरा अगला सवाल भी चूंकि यही था और आपने लगभग ऑलमोस्ट 50% तक तो उसे कवर कर ही दिया है, तो मैं आगे का 50% भी पूछ लेता हूँ। एक बच्चा जो कि मध्य प्रदेश में रह रहा है और कॉमिक बुक्स को शौकिया पढ़ रहा है, एज अ हॉबी पढ़ रहा है, मनोरंजन के एक माध्यम के तौर पर पढ़ रहा है, वो आज के दौर में एक लीडिंग कॉमिक बुक आर्टिस्ट है। मैं जानना चाहूंगा कि आपका ये सफर एग्जैक्टली शुरू कहाँ से हुआ? देखो, ड्राइंग तो बच्चे वो स्कूल के साथ करते, बहुत से लोग करते हैं, बहुत से नहीं करते, तो मुझे शौक था तो मैं करता था, ठीक है। ले और फिर कॉमिक्स भी पढ़ना शुरू किया, कॉमिक्स पढ़ते पढ़ते मन होता था कभी कि क्या हम भी ऐसे बना पाएंगे कि अनुपम सिन्हा जी जैसा, मनोज जी धीरज जी जैसे हम बना पाएंगे। इनफैक्ट कोई यकीन नहीं करेगा, मुझे सबसे ज्यादा पसंद दिलीप चौबे जी का आर्ट था। क्यों? क्योंकि मुझे स्टार्ट से मस्कुलर हैवी गाइस बनाने का मन होता था और उनसे अच्छा कोई बनाता नहीं था उस समय, जो तिरंगा को भी डोगा से डबल बना देते थे। डिसरिस्पेक्ट नहीं है, मुझे अच्छा लगता था उनका काम। विवेक सर जानते हैं बात कि मुझे मस्कुलर बनाना कितना पसंद है, और वो कंट्रोल करते हैं मुझे इस बात के लिए कि थोड़ा कम बॉडी बनाया कर। तो पर ऐसे ही फिर तो टीनेज ईयर आ जाती है, उस समय समझ में नहीं आता है क्या करना होता है। 12th के बाद सबको लगा, और पेरेंट्स इतना सपोर्टिव इसमें होते नहीं है इंडियंस कॉमिक वगैरह लाइन में कि इसमें क्या फ्यूचर है। तब नेट नहीं था, तब इतना डेवलप नहीं हुआ था, तो किसी को भी फ्यूचर नहीं पता था, हमें खुद को नहीं पता था हमारा फ्यूचर इसमें कुछ होगा या नहीं। जी हाँ,
तो पापा ने तो बोला था कि कुछ कर लो, कंप्यूटर लाइन में कर लो, कुछ एमसीए कर लो कुछ है। तो मैं उसी तैयारी में लग गया था, लेकिन फिर मुझे समझ में आया ये मेरे बस का नहीं है, इतनी प्रोग्रामिंग कोडिंग वगैरह ये वो। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा प्रैक्टिस कर रहा हूँ ड्राइंग की, साथ साथ में पढ़ाई के साथ में, तो प्रैक्टिस करता रहा थोड़ा। लेकिन वो तो वो ही है कि आप देख के बना रहे हो, बिना देखे बनाना तो सीखना पड़ेगा। कॉलेज वॉलेज के लिए पैसे नहीं थे, कॉलेज तो मेरा उसका चल रहा था कंप्यूटर का। अब मैं पापा से मना करता, फिर बोलता कि मुझे ड्राइंग का कोर्स करना है, मैंने ऐसे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन तब तक क्या है, यूट्यूब आ गया था थोड़ा सा, और हमारा साइबर कैफे था तो मुझे फायदा मिला। तो अच्छा, मैं वहां पे साइबर पे ऐसे ही ड्राइंग के एनाटॉमी के वीडियोस देख के ये वो थोड़ा और प्रैक्टिस करता रहा। तब भी इतनी तो नहीं हो पाई थी कि, तो फिर मैंने क्या कहते हैं 2009 की बात है, मैंने जो राज तब फोरम आ चुका था राज कॉमिक्स का, वहां सारे लोग कनेक्टेड थे, संजय जी हाँ, जी वगैरह सबसे, तो सबसे बात होती थी। तो मैंने दोस्तों से कुछ से कहा जो जानते थे, मैं थोड़े बहुत ड्राइंग कर लेता हूँ कि राज कॉमिक्स में काम मिल जाए। तो वहां संजय जी ने थोड़ा सा इंकिंग का काम दे दिया था, तो 1-2 साल इंकिंग करी। इंकिंग करते करते मन हुआ कि पेंसिलर बना जाए, किसका मन नहीं होगा ऑफ कोर्स। पेंसिलर बनने का, वो मन तो करता है ना। लेकिन एक बात है, राजकुमार अनुपम सिन्हा जी के पेजेस पे कुछ पेजेस मैंने इंक करे थे, मजा तो आता है उनके पेजेस पे, उनके पेज इतनी डिटेल होती है बहुत। और मैं सबसे ज्यादा इस समय अनुपम जी की रिस्पेक्ट करता हूँ इस टाइम पे, उन्होंने बहुत पसंद किया, क्योंकि वो आज भी काम कर रहे हैं, उन्होंने अच्छा कितना काम किया है, वाकई, मतलब ये तो बहुत ही है ना सच में। वो अभी भी वो एक वर्क हॉर्स है, वो नॉन स्टॉप काम करते हैं, इतना सीखना चाहिए बच्चों को, वो कभी थके नहीं है, कितनी बुक्स निकाली है उन्होंने, वाकई इतना काम। तो बस ऐसे ही फिर पेंसिलर के लिए तो सीखना था, तो नोमोन वर्कशॉप की कहीं से टोरेंट वगैरह करके, डेविड फिंच वाला एक था वो मिला, उससे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी, फिर तो थोड़े बहुत इधर उधर ट्राई किया कोई काम मिल जाए। फिर विवेक सर ने एक बार एक फेसबुक पे लिखा हुआ था कि उन्हें पेंसिल, नई कंपनी खुली थी जब होलिकाउ, के ओके पेंसिलर्स चाहिए, रावनायन था, और वेयर हाउस रिलीज करी थी उन्होंने, हाँ तो उनसे मैसेज पे कांटेक्ट किया कि सर कुछ काम हो तो दीजिए। उनने कहीं 2 पेज सैंपल बनवाए, भीष्म के थे, जो भीष्म का पहला पेज है जिसमें भीष्म खड़ा हुआ है रथ पे, वो अच्छा ओके 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 हाँ समझ गया, शो मेरा केस, पहला सैंपल पेज था, अच्छा, क्योंकि अप्रूव्ड था और फिर बुक में बाद में यूज भी हुआ। ओके उसके बाद फिर तो सारे रेस्ट रेस्ट हिस्ट्री, वो तो फिर उसके बाद उन्होंने पकड़ लिया, आज तक नहीं जाने दिया मुझे। मैं कुछ साल तक उनके अभी भी हूँ, और लेकिन बाहर भी काम करता हूँ अब तो मैं थोड़ा, और लेकिन उनके साथ तो हमेशा ही काम करना है, इतने 10 साल हो गए हैं। तो फिर उसके बाद जब भीष्म हो गया था, तो उसके बाद राम से उनकी मीटिंग हुई थी मुलाकात, तब अघोरी पे बातचीत चल रही थी। तो विवेक सर तो रावनायन फिनाले बना रहे थे, और उस समय 2 ही आर्टिस्ट थे, मैं था वो थे, कंपनी छोटी थी तब। तो उन्होंने कहा अघोरी मुझसे पूछा बना लेगा डार्क ये वो, लेकिन अघोरी दुबला पतला है, मस्क्यूलर नहीं है, मैंने कि कर लेंगे। तो फिर अघोरी किया, उस लोगों को पसंद आया, फिर तो बस आप आज, उसके बाद देश नहीं, उसके बाद शायद पहले शैतान था, शैतान सिंह पहले, फिर कास्टर था, फिर देश, ऐसे ही करके 10 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। और मैं ये कहूंगा कि ये वाकई में आपने अच्छा वो टॉपिक रखा कि अलोंग विद विवेक गोयल एंड अलोंग विद द होली काउ एंटरटेनमेंट, योर कोलैबोरेशन इज वेरी आइकॉनिक, बहुत सालों से ये चल रहा है और दिखता है वो उनकी बातों में, उनकी पोस्ट में, वो जो लगाव है, वो जो एक एक ब्रोनेस है वो दिखती है मुझे। बिकॉज आई सपोज बहुत रिसेंटली ही बात है कि द आर्ट ऑफ गौरव श्रीवास्तव नाम से ये एक दिस अमेजिंग बुक निकाली गई। मैं इससे पहले कि आगे सवाल आगे रखूं, मैं एकदम से, चूंकि ये पॉइंट आ गया है, मैं पूछ लेना चाहता हूँ, एज एन आर्टिस्ट आपको क्या महसूस हुआ जब आपने अपनी खुद की आर्ट ऑफ गौरव श्रीवास्तव देखी? डिड यू फेल्ट हम्बल्ड, या लगा कि यार बहुत जल्दी कर रहे हो? क्या था, व्हाट वाज योर रिएक्शन? देखो लगा तो था कि थोड़ा जल्दी हो गया,
मैंने उनसे पूछा भी था कि आप श्योर हैं कि अभी मैं इस लायक हो गया? उन्होंने कहा 10 साल तो हो ही गए, 10 साल बहुत होते हैं इंडस्ट्री में, और तुम्हारा काम भी अच्छा है, ठीक है तो करके देखते हैं, और फिर कवर भी हम बनाएंगे जिमली ऐसा। मैंने कहा ठीक है करके देखते हैं अगर आपको लगता है तो। बट जब वो बुक हाथ में आई, कसम से बहुत अच्छी फील, किसको नहीं होगी। मैं ऐसे बहस छुपा नहीं सकता, मैं इतना अम्बल नहीं बन सकता कि अरे मुझे सक्सेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वो सबको पड़ता है, अच्छा अपने अंदर सबको लगता है। तो बहुत अच्छा लगा था वो बुक, तो हमेशा साथ रही। और क्या कहते हैं, मैंने भी सोच रखा था उसका कवर हम आर्ट ऑफ जिबली टाइप से ही रखेंगे, जिससे कि थोड़ा साथ में रखेंगे तो थोड़ा और प्राउड फील होगा। बट लेकिन मेन वो है कि किसी ने सोचा कि हाँ। एक ऐसी बुक आर्टिस्ट के लिए निकाली जाए, बहुत कम लोग, कौन सोचता है? कितने सारे पब्लिकेशन है, कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं अपने इंडिया में, लेकिन किसी ने नहीं सोचा उन आर्टिस्टों के लिए उनकी आर्ट बुक निकाली जाए, या कितने लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं अपने यहाँ। बट विवेक सर ने ये सोचा, आगे जाके वो खुद की निकालें, थर्डम की निकालें, बहुत अच्छा लगेगा। जब मैंने वो बुक देखी, मेरे दिमाग में पहला पॉइंट आया, अनुपम सर की बुक कहाँ है, मनु जी की बुक कहाँ है? मेरा बहुत मन है कि मनु जी अनुपम सर की एक बुक मिले। अरे मतलब I'll do anything for that book. वो बुक अगर वाकई में ऑफिशियली प्रिंट हो जाए तो इट विल बी लाइक, मतलब वो बुक ही अपने आप में एक ऐसा कोर्स मटेरियल हो जाएगा हर उस स्टूडेंट के लिए जो बेचारा कॉमिक बुक्स को ड्रॉ कर करके आपकी और हम सब की तरह वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसी बुक्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो वाकई में लाइक थ्रू दिस पॉडकास्ट में कहना चाहूँगा कि वाकई में अलग अलग पब्लिकेशंस को इन लेजेंडरी, नथिंग लेस देन द लेजेंडरी आर्टिस्ट, इनकी बुक्स को सामने लाना ही चाहिए। सिर्फ कॉमिक बुक्स नहीं बल्कि उनका वो आर्टवर्क जो उनके खुद के लिए बिल्डिंग स्टेप्स रहा है, बिल्डिंग पॉइंट्स रहा है, मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स के बारे में मैं पूछना चाहूँगा, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? पापा गवर्नमेंट ऑफिसर थे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में, अब रिटायर हैं। मम्मी हाउसवाइफ हैं, भाई और भाई जॉब करता है अपना अलग, तो छोटी फैमिली है। ओके इतना कुछ नहीं, लेकिन मैं बचपन से कॉमिक्स का जो शौक रहा है उसमें कॉमिक्स पढ़ने में मुझे कभी नहीं रोका, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जब है एक शौक तो वो तो पूरा होता। तो ऐसे करियर में उन्होंने, पापा को लग रहा था थोड़ा सा दिक्कत कि सबको लगता है कि पैसा होगा या नहीं होगा, और भले ही पैसा उतना ना हो जितना सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और जाने क्या क्या, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन ड्राइंग करने में है, कॉमिक्स में है, इस पॉप कल्चर में जो मजा है, वो भले ही भाई आप 10,000 कम दे दो हमें, लेकिन वो मजा थोड़ी आएगा जो हम क्यूबिकल्स में लगे हुए हैं और बैठे हैं। तो ये इसलिए फिर धीमे धीमे जब नाम होने लगा तो पापा को भी अच्छा लगने लगा, कोई टेंशन नहीं। अभी इसी पॉइंट को आई एम श्योर कि कोई ना कोई बच्चा अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे अपने फादर के पास ले जाएगा, दिखाएगा। और ये बात मैं अब पूछूंगा कि जब आप अपना कैरियर बना रहे थे, और जैसे आपने बताया फादर को शुरू में डाउट था, किसी भी पेरेंट्स को होगा, जिम्मेदार पेरेंट्स को होगा ही होगा, लेकिन जब ये सक्सेस के पायदान आपने बढ़ाने शुरू किए, आपके फादर आपके मदर का रिएक्शन क्या रहा इन इन पीछे बीते 10 सालों में? मम्मी को इतना कॉमिक्स वगैरह का इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो तो वो उस उसने हाईटेक नहीं है, लेकिन उन्होंने पता है कि ये ड्राइंग तो बचपन से करता ही था। पापा को फिर अच्छा लगता है, देखते हैं जब वो बुक्स उनके फ्रेंड्स आते हैं उन्हें दिखाते हैं वो कि ये जो आपने वो देश का जो रिव्यू दिया था वो लास्ट असुरान का जो बुक 2 आई थी जी, तो जी, वो जी। दिखा रहे थे कि मेरे, तो हर फादर प्राउड तो करता ही है बाद में जब कुछ हो जाता है भले। तो वो मैं ही कहना चाहूँ, डाउट का फेस होता है ना, उस समय कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप में कि मम्मी पापा को बता सकें कि थोड़ा वेट करो, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा अगर हमें लगेगा कि हम खुद गलत जा रहे हैं तो हम रुक जाएंगे, आप जो करियर कहोगे उसमें चले जाएंगे, लेकिन अगर लग रहा है मुझे इसमें कि इसमें कुछ स्कोप है, या अगर मैं खुश हूँ इस काम को करते हुए तो मुझे करने दो। ये हर बच्चे को सोचना चाहिए, हर नए
जो आर्टिस्ट बनना चाहता है, जो आर्टिस्ट हो, राइटर हो, कोई भी क्रिएट एनिमेशन में जाना चाहता है, अगर मजा आ रहा है करने में तो करते रहो। याली को और मेंशन करना जो मैं बताना ही भूल गया, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा। बिल्कुल, याली ड्रीम्स का उन अश्विन ने भी मुझ पर भरोसा किया उसने, और विलेज से भी मुझे काफी फायदा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनफैक्ट आपने कहा और मेरी अगली लाइन यही होने वाली थी। मैं मेरे साइड में रखी हुई थी द विलेज, और दिस इज आई मीन जेन्युइनली मैं कहूँगा मेरे लिए एक पाठक के तौर पे जो एक सस्पेंस राज कॉमिक्स के दौर में बना था विद द थ्रिल हॉरर सस्पेंस, वो इस आर्टवर्क के जरिए आ पाया है, जिसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स एन अमेजिंग आर्ट जो कि आपने बनाया है, और ये मेंशन करना शायद इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बिकॉज ऑफकोर्स अभी हालिया कुछ दिनों से हफ्तों से एक हाइप उठ रही है बिकॉज ऑफ अमेजोन प्राइम विलेज को अडॉप्ट किया गया है, और ये बड़ी न्यूज़ शायद इसलिए हो जाती है क्योंकि ये चीज़ कई सालों पहले हो जानी चाहिए थी, इस तरीके की चीज़ें कई सालों पहले हो जानी चाहिए थी, वो अब आ रही है। चलिए देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब जब ये आ रहा है, गौरव भाई व्हाट डू यू थिंक ये हमारे इंडस्ट्री के लिए, हमारे प्रिंट मीडिया के लिए भी क्या दरवाजे ओपन कर सकता है टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू या तो एनिमेटेड सीरीज या फिर लाइव एक्शन? कई सालों से हम बातें करते हैं इस बारे में, कई लोग बोलते हैं, असली मीनिंग क्या है इसका, क्या असर है? एक तो क्या है, जब ये विलेज रिलीज हो जाएगी प्राइम पे, लोग देख ले, अभी इसका हिंदी एडिशन भी आने वाला है, इसको निकाला जाएगा हिंदी में और दोबारा रिप्रिंट शायद बात चल रही है, तो वो तो होगी, अगर होनी भी चाहिए। बिल्कुल हाँ, तो उसके बाद मेरे ख्याल से ये चेंज होगा कि लोग थोड़ा सीरियसली लेंगे इंडियन कॉमिक्स को। इंडियन कॉमिक्स का मतलब जनरल ऑडियंस की, जनरल जो लोग हैं इंडिया के, उसके लिए इंडियन कॉमिक्स का मतलब अभी भी चाचा चौधरी बिल्लू पिंकी है, बहुत जो स्टेशन पर दीदी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है बच्चों के लिए। सुपर हीरोज बहुत कम, जो हम गीक्स लोग हैं जितने, जिनको पता होता है, जो फेसबुक पे इन सबको, इन सब बुक्स के बारे में पता है, जनरल को नहीं पता। जनरल को तो वही पता है कि उनको बच्चा मांगेगा और बिल्लू उठा के दे देंगे, लेकिन जब आएगी एक वेब सीरीज आएगी, वेब सीरीज का जमाना है, तो जब वो देखेंगे एडेप्टेड है एक नॉवल से, फिर उसका नॉवल का देखेंगे, पढ़ेंगे, तो फिर इंडस्ट्री को फायदा होगा। और बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारे हीरोज पूरा सारे हीरोज पर बने, तो मुझे तो फ्यूचर ठीक लग रहा है, अब मुझे थोड़ा ब्राइट लग रहा है धीमे धीमे, क्योंकि होलिकाओं में ऐसे कैरेक्टर हैं, सारे कैरेक्टर होलिकाओं में ऐसे हैं और याली में, जिनपे इजीली वेब सीरीज है बन सकती है। घोरी में कितनी शानदार वेब सीरीज बन सकती है, देश पे शैतान पे तो बहुत इजीली, मेरे कह रहा हूँ शैतान पे बननी चाहिए पहले, क्योंकि वो थोड़े ग्राउंडेड लेवल हो जाएगा, उसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट थोड़े कम रहेंगे पहले वॉल्यूम के हिसाब से अगर अपन देखें तो। बेशक, तो ये होना चाहिए। जब चाचा चौधरी का वो रघुवीर यादव वाला ही आया था सहारा पर, कितने खुश हुए थे हम लोग, तो खुश तो एक लाइव एक्शन मिला। शक्तिमानी कॉमिक्स बाद में बनी, शक्तिमान पहले आया था, लेकिन कॉमिक पर कुछ बनता है तो बहुत मजा आता है। बाकी दूसरे पब्लिकेशन क्या पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं सोचा, कितने अच्छे अच्छे हीरोज हैं उनके पास। हाँ, क्या कह सकते हैं, भारतीय पब्लिकेशन में काम करने के साथ साथ एक कॉमिक बुक आर्टिस्ट इंटरनेशनल ब्रांड के साथ भी काम कर सकता है, कर रहा है, एंड दैट इंक्लूड्स यू एज वेल। क्या आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को ये बताएंगे कि एक आर्टिस्ट वर्क फ्रॉम होम करते हुए इन बड़े बड़े लीडिंग पब्लिकेशंस को कैसे अप्रोच कर सकता है? जैसे मैंने किया, आज के जमाने में तो बहुत इजी है, जिसको भी करना, जिससे भी आपको करना है, आप मैसेज में या उनमें उनके ट्विटर अकाउंट पे उनको फॉलो करें, उनके काम को देखें, वो कहाँ करते हैं, जान नॉलेज लेना ज़्यादा जरूरी है। क्या अगर आपको एक इंडी पब्लिकेशन को अप्रोच करना है, तो पहले उसकी बुक्स देख लें, उसकी वेबसाइट खोल के, कि वो क्या बनाती है, क्या क्या बनाते हैं, एक तो बुक्स उनकी पढ़ लें, डाउनलोड कर लें, फिर उनको अप्रोच करें कि सर मैं ये। और वो वैसे मैंने ट्विटर पे क्या है, ट्विटर पे ज़्यादातर नए पब्लिशर्स, इंडी पब्लिशर्स बाहर के, ये डालते रहते हैं कि हमें आर्टिस्ट चाहिए,
तो आप कमेंट में वहाँ नीचे अपने आर्ट पोर्टफोलियो डाल सकते हैं फेसबुक पे, और ग्रुप है फेसबुक पे इंडी पब्लिकेशंस के, बहुत वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने अप्रोच किया था, तब मुझे जाके मार्शल दुबरी जो मेरे अब तो मेरा दोस्त ही है वो, उससे काम मिला और चला आ रहा है। लेकिन बस ये है कि थोड़ा काम भी हमें पता होना चाहिए, एटलीस्ट इतना आर्टिस्ट को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उस लेवल का है क्या, अप्रोच करने से पहले देख लेना चाहिए कि उसके आसपास जो दूसरे लोगों ने अप्रोच करे हैं काम, उनसे बेटर है कि नहीं। आज के क्या है नए आर्टिस्टों की क्या है, मैंने एक चीज नोट करी है, जो हैबिट जो डिजिटली करते हैं, या तो वो हैबिट डिजिटल भर देंगे अपनी एनाटॉमी की गलतियां छुपाने के लिए, मैंने देखा है कई आर्टिस्टों में इतना बैकग्राउंड और वो सब भर देंगे कि अगर आपको किसी भी अच्छे आर्टिस्ट को देखना है कि वो बेटर आर्टिस्ट है, तो देखना वो हैंड्स फिंगर्स कैसे बनाता है, जैसे मनु जी Absolutely. ये जो ये बना ले बहुत अच्छे और फेसेस सुंदर बना ले, वो समझ लो थोड़ा बेटर आर्टिस्ट है। तो ये सब आपको कम मिलेगा। मुझे याद है कि लास्ट ईयर की बात है, फॉर द इंटरव्यू मैंने जगदीश कुमार जी को बुलाया, द इंकर, और उनका भी यही था कि बाकी आर्टिस्ट की तरह बड़ी मुश्किल से उन्होंने समय दिया, और उसका कोई और कारण नहीं था, वो कारण ये था कि उनके पास काम इतना है कि वो समय नहीं निकाल पा रहे हैं। अरे वो कितना इंक करते हैं यार, मैं वही कह रहा हूँ। एक समय था कि मैं बड़ी खुशी से अपने स्टूडेंट्स को और अपने रिलेटिव्स को भी बताया करता था कि देखो इस आर्टिस्ट के पास इतना इतना काम है। जब से आई हैव स्टार्टेड दिस चैनल मैंने एक चीज रियलाइज करी है कि शायद ये खुशी की बात उतनी है नहीं, क्योंकि आर्टिस्ट बहुत कम हैं और काम इतना ज्यादा है। अभी आई थिंक कुछ महीनों पहले की बात है कि जगदीश जी ही बिकेम इल, वो बीमार पड़ गए थे, और मैंने उनसे बात करी फोन पे, तो उन्होंने कहा कि काम का स्ट्रेस इतना हो गया है कि मुझे थोड़ी देर छुट्टी, मैं आराम करना चाह रहा हूँ। आप मानते हैं कि इंडस्ट्री को आर्टिस्ट की ज्यादा जरूरत है, और आर्टिस्ट है नहीं हमारे पास इतने, आर्टिस्ट नहीं है, राइटर्स भी नहीं है उतने कॉमिक्स के, क्योंकि राइटर्स मूवीज तक इंडियन मूवीज में कहाँ है, बॉलीवुड खत्म हो रहा है, राइटर्स सब बच्चे कहाँ है अच्छे, तो आर्टिस्ट तो सच में बहुत कम, क्योंकि एक तो क्या है बहुत से लोग होते हैं जैसे आर्ट अच्छा हो गया ठीक है तो रेट्स बढ़ेंगे आर्टिस्ट के, और हर कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती, सब हर कोई चाहता है अच्छी इनकम हो, हर इंसान को अपना घर चलाना है अच्छे तरीके से चलाना है ठीक है, तो रेट बढ़ते हैं तो भी उसकी उसमें भी प्रॉब्लम आती है, और जो कम रेट में करेंगे उनका आर्ट रीडर कहेगा उतना अच्छा नहीं है, दिक्कत तो पब्लिशर के पास भी बहुत सारी दिक्कतें होती है। और दूसरी बात ये है कि इस फील्ड में नहीं जाना चाह रहे हम लोग, अब तो यार पैसे कमाने का इतना जरिया हो गया है ये इंस्टाग्राम रील और ये सब, जो लड़के बॉडी बना लेते हैं वो एप्स दिखा दिखा कमा रहे हैं, और मतलब समझ ही जाओ लड़कियों का तो क्या है ठीक है, तो मतलब अब पैसे कमाने के जरिए बहुत आ गए हैं, अब पढ़ाई लिखाई भी उतना नहीं रहा है। तो ये इसीलिए मुझे इस बात का डर तो है कि आर्टिस्ट अगर कम हो रहे हैं धीमे धीमे, अब बढ़े तो अच्छी बात, अभी जो अविनाश आया है होलिका उमन आया, उसका आर्ट अच्छा है बिल्कुल, और वो बहुत अच्छा जाएगा आगे, और ये क्या कहते हैं तड़म तो आगे बढ़ ही गया है, वो तो बढ़ता ही रहेगा ठीक है, और उसको और कौन है दीप जॉय सुब्बा है उसका वो नए में, और मैं एक नाम और अभिलाष पांडा ऑफ कोर्स, अब उसके कवर्स देखो आप अल्फा के है ना कितने अच्छे, और वो आगे भी काम करे वो भी काम करता रहेगा, और नए आ रहे हैं कुछ फैन आर्टिस्ट भी अच्छे हैं, बट वो शायद अप्रोच नहीं कर रहे पब्लिशर्स को, मैंने देखे हैं उन्हें करना चाहिए, अब बस यही है कि हो सकता है अब अपन को ये तो नहीं पता ना कि उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके पेरेंट्स उन्हें अलाउ कर रहे हैं कि नहीं इस करियर में, ये आना तो चाहिए मेरे ख्याल से, इस फील्ड में आना चाहिए, अच्छी फील्ड है, मुझे अभी जैसे आफ्टर कोविड मुझे लग रहा है फ्यूचर बेटर होने वाला है, विलेज वेब सीरीज और ये सब ओके, और ये रीप्रिंट्स और होलिका में नए यूनिवर्स क्रिएट हो रहा है धीमे धीमे, ऑफ कोर्स नए प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, और जो होलिका का फैन बेस है वो तो पढ़ता ही रहेगा,
धीरे धीरे आगे रीडर्स आएंगे। मेन है कोविड अब चला गया है तो कॉमिक कॉन जब दोबारा आएगा तो फिर से थोड़ा सा और सपोर्ट मिलेगा, कॉमिक कॉन का सपोर्ट मिलता है तो फ्यूचर अच्छा है। बट उसके लिए हमें वही बात आ गई, नए राइटर और नए आर्टिस्ट बहुत चाहिए अगर और फ्यूचर अच्छा बनाना है, क्योंकि पुराने लोग कब तक करेंगे। ऑफ कोर्स, और मैं समझता हूँ कि जब नया टैलेंट आता है तो वो एक फ्रेशनेस भी आती है किसी भी मार्केट में, किसी भी इंडस्ट्री में। हाँ, नए स्टाइल्स चाहिए, नए लड़के चाहिए जो अच्छी ड्राइंग करे। तो मैं कहना चाहूंगा जो भी देख रहे हैं कोई आर्टिस्ट और वो सोच रहे हैं कि इस फील्ड में कुछ नहीं आए, करते रहे, अपना जॉब कर लें, साथ में करें। कि मतलब मेन जॉब अपना कुछ और करें, उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने इंजीनियरिंग करिए लेकिन रेंडमली ड्रॉइंग करना चाहते हैं तो वो करते रहे। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो प्रैक्टिस करते हैं रात में बैठ के, लेकिन इंडस्ट्री को नए आर्टिस्ट, अगर इंडस्ट्री को आगे ले जाना है तो सिर्फ कॉमिक खरीद के कुछ नहीं होगा, वो तो रीडर का काम है, नए क्रिएटिव्स भी आने पड़ेंगे। और मैं तो कह रहा हूँ नई कंपनियां और आ जाए। चलिए, on that point, on behalf of the entire team of the drawing house, मैं आपको best wishes देता हूँ। You are doing a fabulous job. Your artwork is amazing. हम सभी को पसंद है। Thank you, thank you. And just keep on working for yourself, for us, for the readers, because अब यही वो generation है। हालांकि इसकी भी अगली generation आ गई है, हमारी भी अगली generation आ गई है, but you are the people who are the flag bearers for sure. और आप आगे काम को ले जा रहे हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे। इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। सो ऑन दैट बिहाफ मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कॉमिक कॉन में हम मिल सकेंगे, बहुत जल्द बातें कर सकेंगे। दिल्ली तो दिल्ली कॉमिक कॉन में तो मैं आऊंगा इस बार। हाँ, ओके, मैं भी बिल्कुल बिल्कुल दिसंबर में। चलिए, ऑलराइट देन, गौरव भाई, गुड बाय बाय।